और कैसे हो? सब बढ़िया, घर पे सब बढ़िया। पापी हो सालो, तुम्हारे चक्कर में ये रोज आज तक मेरे पास है। कुत्तों की जिंदगी, साले कुत्तों की जिंदगी। आई नो तुम्हारा सवाल होगा भाई, हमारी वजह से कैसे कमेंट देख रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम? कल का ओपनिंग भूल गए कि तुम? आमी आज कल भालो आची। कल वीडियो अपलोड करने के बाद मैं बाहर चला गया, कमेंट मैंने पढ़े नहीं थे। रात में मैं लेट हो रहा था तो मैंने मोबाइल चेक किया, मोबाइल पे मैसेजेस। मैंने कहा उसको बताया कि मैं अभी बाहर हूँ, मेरे को 20 मिनट और लगेंगे, फिर मैं तेरे से बात करता है। मैं 20 मिनट बाद घर पे आया, मैंने उसको मैसेज मारा और कोई जवाब नहीं। फिर मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ने बैठ गया। इतने दिल से बद्दुआ कौन करता है? ओके छड़ा रात गुलो आलो। 24 घंटे से ऊपर हो गया, रिप्लाई नहीं आया। भड़क के ऊपर से चार बातें और सुना दी मैंने। देखो समझो, वो लड़की है और मेरी तरह नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़की है, जैसे तुम रोड पे अपने घर पे अपनी फैमिली में देखते हो। वो इतना कमेंट पढ़ेगी, उनको यूज टू नहीं है। तुम एक पल के लिए उस लड़की के माइंडसेट से देखो बे, रोज सेरा में इतनी बदतमीजी कहाँ से आ गई, जहाँ पे हम सामने सामने जाके लोगों को गालियां सुना रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आई मीन सीरियसली ब्रो, अगर इस वीडियो में मजा नहीं आया और मैं भड़का हुआ दिखा ना, तो मेरे को ब्लेम मत देना, गलती तुम्हारी है। देशद्रोही, क्योंकि मुझे मालूम है इस कमेंट बॉक्स में पहले तो आएंगे कटेगा 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 हरामी लोग, और फिर आएंगे देशभक्त देख जाए चूतिए लोग। और अगर तुमने गैंग ऑफ वासेपुर देखी है तो तुम्हें पता है दुनिया में केवल दो किस्म के लोग होते हैं, एक हरामी और दूसरा चूतिया, और ये सारा खेल इन्हीं का किया हुआ है। साले कुत्तों की जिंदगी। अभी तुम में से बहुत ज्यादा लोग चाहते थे कि मैं बात करूं सलील जामदार की, जो वीडियो रिमूव हुई उस बारे में, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं पता सलील जामदार, मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत रहूंगा, बट फिर भी जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं पता सलील के बारे में, तो सलील बहुत फेमस हुआ, वायरल हुआ शुद्ध देसी गानों के साथ, जहाँ पे उन्होंने बहुत फेमस पैरोडी सॉन्ग्स बनाए हैं, एंड बहुत सारे गाने मुझे पसंद है उसमें से। बट लेटर ऑन उसने शुद्ध देसी गाना जो कंपनी थी या यूट्यूब चैनल जो भी है वो, उसको छोड़ दिया और उसने अपना चैनल बनाया, इंडिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंटली उसने खुद बनाना शुरू किया। इस बीच में उसने एक और वीडियो बनाई ठग ऑफ हिंदुस्तान की पैरोडी, और तुम्हें पता होना चाहिए ठग ऑफ हिंदुस्तान किसने प्रोड्यूस करी है, किसने बनवाई है? नहीं पता? पुरानी वीडियो नहीं देखी क्या? यशराज, सिर्फ यशराज नहीं, यशराज चिंदी चोर था ए, और रहेगा हमेशा। समझ में आया क्या? तो बस यशराज को दिखी वो वीडियो है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं बट पैसा मैं बनाएगा, मार दी क्लेम वालों ने, स्ट्राइक डाउन कर दिया वीडियो। सलील भड़क गया, मतलब उसकी बंदी छोड़ के भी चली जाए ना तो भी नहीं भड़केगा वो, भड़क गया। एक बात देखना, सलील भड़कता बड़े जल्दी है, बहुत जल्दी भड़कता है वो। भाई इतना मत भड़का कर। मैं जब यशराज के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरी लिटरली 3-4 वीडियो बैक टू बैक कांड किया था, तब जाके मैं उतना भड़का था कि मैं लाइव स्ट्रीम में जाके या स्क्रीनशॉट डाल के बता रहा है, वरना मैं स्टोरी पर डाल के खत्म कर देता है। सलील मैं दिल से एडवाइस कर रहा हूँ इधर को, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। हर बार स्टोरी डालनी जरूरी नहीं होती, हर बार पोस्ट डालना जरूरी नहीं होता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यशराज ने वो स्ट्राइक डाउन करी वीडियो, सलील जज्बाती हुआ, उसने पोस्टर डाल दी। अरे भाई यशराज क्या 10 रुपए का छोटा रिचार्ज, टांगे शिव ग्रही मैंने क्या भैया? अरे बल्लू ने मजाक नहीं करा, सच में यही हुआ था, बस तरीका अलग बताने का। बस सलील जज्बाती हो गया, उसने पोस्ट डाल दी, उसने लाइव स्ट्रीम करी, लाइव स्ट्रीम बताया। अरे भाई 2000 तो मुझे वैक्स करने में, अभी क्या बता रहा है, रुक जा पेन कॉपी लेके आ, तो लिख लेता हूँ, जरूरी इन्फॉर्मेशन है, सच में जरूरी है, फ्यूचर में मुझे भी करना है। साले कुत्तों की जिंदगी। मतलब एक्चुअली उसने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी लाइव स्ट्रीम में, और मुझे भी लगा कि वो गलत चीज है। एक, वो बहुत बड़े लेवल से अपना इंडिपेंडेंटली कर रहा है, और शुरुआत सबके साथ मुश्किल होती है, तुम सबको पता है, पहली बार में मजा जरूर आता है। मतलब बेसिकली ऐसा समझो, जिनको जिन जिन एक तो तुम पे ठरकी जोक मारने का मन ही नहीं करता, तो वो जज्बाती हो गया, कर दी सारी चीजें, हमने देखा हम भी जज्बाती हो गए, ऐसे कैसे भाई हमारा ऐसे कैसे कर देगा, मैंने भी वीडियो पेल दी। एक्चुअली यही हुआ, मतलब यशराज और भाई दो चीजें देखेंगे, मैं पड़ेगा पंगे में, लेगा पंगा, देखता कौन क्या करेगा। तुमने वीडियो पेल दी, हमने वीडियो पेली, जब मैं एडिट कर रहा था वीडियो उस टाइम पे वो स्ट्राइक हट गई और वीडियो वापस अपलोड हो गई। Why? एक बार अपील मार देता है यार, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, उसके चक्कर में ना मैंने आउटडेटेड कंटेंट बनाया। आई मीन सीरियसली सलील, सीरियसली साले कुत्तों की जिंदगी। यार पहले अपील मार, वो रिजेक्ट करते उसके बाद करता नहीं, चीज समझ में भी आता, बट ना जज्बाती जज्बाती, आज मैं जज्बाती, तुम पे भी और उस पे भी, कंट्रोल उदय। तो बस इतनी सी बात थी कि स्ट्राइक हटी और बात खत्म हो गई। अभी रिसेंटली सलील ने एक और गाना डाला, वो कहते ना वो क्या, अरे बड़े बुजुर्गों ने कहा है बहती नदी में हाथ धोना, कौन बोला, कौन बोला, मैं नहीं बोला, कोई है इस रूम में, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो उसने एक गाना बनाया कुतिया पाव भाजी,
2.0. कभी सोचा तुमने 2.0 कहां से लिया होगा? इसमें मेरे को आईडिया नहीं कहां से लिया होगा। काफी सला अल्लाह मैं चैन बन गया अबे चल ब मतलब कुतिया पाव भाजी 2.0 सलील ने नया गाना बनाया जिसमें उसने कैरी मिनाटी टी सीरीज और प्यूडीपाई सबको रोस्ट मार दिया। बेसिकली इस कांड में ऐसा समझो कि सलील का सरदार खान जाग गया। सरदार खान जाग गया। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अननेसेसरी बातें थी, जबरदस्ती की बातें थी कि तुम चूतिया हो, मैं एक्सलेंट है। चलो वो तो पर्सनल बातें होगी, बट उसने इतनी बातें बोली, उसमें इतनी बातें बोली, इतनी ज्यादा बातें बोली, मतलब इतना लंबा गाना इतना बैक टू बैक बोला ना भाई ने कि उसको बोलते हुए देखे मैं पानी का ग्लास ले आया भाई पी ले थक गया होगा, बट नहीं सुनी भाई ने, बोलता क्या इतना बोल दिया कि टीसी वाले ऑफेंड हो गए, भड़क गए और उन्होंने वीडियो टेक डाउन कर दी। अगेन वो सलील का ओरिजिनल काम था और टी सीरीज के पास कोई राइट्स नहीं है उस वीडियो को हटाने के लिए। मेरे ख्याल से सलील के दिमाग में भी यही सवाल होगा, बाकी सबके दिमाग में यही सवाल होगा कि टी सीरीज ने ये वीडियो हटाई क्यों और किस बेसिस पे। पहले मुझे लग रहा था डिफेमेशन, क्योंकि अगर तुम कंपनी का नाम यूज कर रहे हो और कुछ भी कह रहे हो तो कंपनी एक्शन ले सकती है, पॉलिसी ऐसी है। बट मैंने उसका पुराना वर्जन सुना जो 1.0 था वो सुना, उसमें कहीं पे भी उसने टी सीरीज नहीं बोला, उसने टेट सीरीज बोला है। कैसे अपमानजनक बात कर रहे हो सलील भाई, संस्कारियम साले कुत्तों की जिंदगी। हांगकांग और लंदन मदीना जानसु चलपल। यार देखो सीन ये हो गया ना कि ये जो आगे वाली बात सुनोगे ना तुम, ये मेरे कैमरे वाले माइक से है तो वॉइस क्वालिटी अगर डिफर आए तो समझ लेना, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। मैं कहता हूँ गुस्सा मत दिलाया करूँ, जब मैं जज्बात हो जाता हूँ फिर। या देखो पहली चीज ना, सलील की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बहुत यंग है वो लड़का, एक्चुअली बहुत ज्यादा यंग है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो सलील ने किया था यशराज के सीन में एग्जैक्टली वो इस बार भी वही कर रहे हैं, नहीं कर रहा पता नहीं मुझे। यार अगर कुछ चीज हुई है तो पहले पार्टी से, जो कंसर्न पार्टी है उससे बात करना। तुम्हारे साथ कुछ चीज हुई तुम जज्बाती होकर शुरू हो गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल यशराज वाला सी, यशराज ने तुम्हारी वीडियो स्ट्राइक डाउन करी, तुम पब्लिकली आ गए, तुम हर जगह बोल गए, तुमने अपील करी, उस अपील का रिजल्ट भी नहीं आया, बट उससे पहले तुम पहले ही कर चुके जो तुम्हें करना है क्योंकि तुम जज्बाती थे, और इन दी एंड उन्होंने स्ट्राइक वापस ले ली। अगर वो स्ट्राइक वापस नहीं लेते, मना करते, तब करना था, समझ में आता मुझे। बट सारा करने के बाद अगर सब कुछ सॉल्व ही हो गया तो फायदा क्या, मतलब अगर वो पहले मना करते फिर तुम ये करते और तब स्ट्राइक लेते तो मेरे को समझ में आता, और शायद यही हुआ होगा, बट मुझे क्लियरिफिकेशन कभी नहीं मिली उस बारे में। इवन इससे पहले जो तुमने पाव भाजी निकाली थी 1, उसमें तुमने ये रीजन दे के हटा दी वीडियो क्योंकि वो डिमोनेटाइज थी, और वो बनता भी है डिमोनेटाइज होना क्योंकि ज्यादा गालियां होने से वीडियो डिमोनेटाइज होती है। मेरी तो एक वीडियो यूट्यूब वालों ने रिमूव मार दी थी क्योंकि उसमें भर भर के गाना था जो मेरे सेकंड चैनल पे था, रिमूव स्ट्राइक डाउन करके कम्युनिटी गाइडलाइंस दे दी थी। फिर मैंने उनको उनकी पॉलिसी दिखाई कि देखो गाली पे तुम लोग एज स्टिक करते हो, स्ट्राइक डाउन नहीं, तो वो भी कंफ्यूज है अपनी पॉलिसी को लेकर, बहुत तगड़ी पॉलिसी है इनकी। और रही बात ये टीसीज वाले सीन पे, अभी मैं किसी की वीडियो भी देख रहा था, वो कहता है कि फेक स्ट्राइक मिला हुआ है, टीसीज नहीं मारा, जो मुझे नहीं लगता केस है, क्योंकि अगर ये केस होता सलील सिर्फ एक मेल मारता यूट्यूब वालों को और 24 घंटे के अंदर वो फेक प्रोफाइल डिलीट हो जाती है और ये जो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक लगा है वो भी हट जाता। तो भाई ऐसी फालतूगिरी मत फैलाओ लोगों को, मुझे नहीं लगता वो फेक है, या हो भी सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता सलील इस बार भी जज्बाती होके बिना कुछ ट्राई के सीधा आ गया पब्लिकली, या वो ट्राई करने के बाद पब्लिकली आया है। तो भाई तुमने रेपुटेशन ऐसी बना रखी है ना, मैं ट्रस्ट ही नहीं कर रहा तुम पे, समझ रहे हो, मैं करना भी चाहूं तो भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो मुझे लगता है पर्सनली, पहली बार वीडियो में थंबनेल ये था, दूसरी बार थंबनेल ये था, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा तुम्हें? पहले टिट सीरीज था, अभी टी सीरीज है, और यूट्यूब की पॉलिसी है ये कि अगर तुम किसी ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो, वो टी सीरीज का ब्रांड लोगो है, मतलब लोगो रिप्रेजेंट करता है, वो ओन करते हैं उस लोगो को, तुम रेंडमली कहीं पे भी जाके यूट्यूब का लोगो यूज नहीं कर सकते, अगर वो देखेंगे वो क्लेम कर सकते हैं, वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं तुम्हारे अंदर। और यूट्यूब की पॉलिसी है कि तुम बिना रिटर्न परमिशन के किसी भी कंपनी का ब्रांड लोगो नहीं दिखा सकते। अभी तुम्हें याद है कुछ समय पहले टेक्निकल गुरु जी की एक रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी जिसमें वो भी किसी को समझा रहे थे कि तुम मेरा लोगो बिना मेरी परमिशन के यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क है, मेरा करम है, यूनिवर्सल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं नहीं लेता टेंशन, पढ़ो एंचो, कॉपीराइट वाला सिस्टम रखने नहीं, फ्री है सब कुछ, ले जा ले जा ले जा ले अभी। अगर टी सीरीज का लोगो तुम यूज करते हो तो एज पर दी पॉलिसी टी सीरीज वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर सकता है, ये मुझे लगता है पर्सनली, बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, फील फ्री टू नॉट, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है कैसे हुआ है, मतलब अभी ये केस ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है ना, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, मैंने अपनी थ्योरी बता दी, उस बंदे ने अपनी थ्योरी बता दी, अगर तुम्हारे पास कोई नई थ्योरी बता दो सुनूंगा मैं, करने क्या कमेंट चाहिए बेंच और क्या साले कुत्तों की जिंदगी, साले कुत्तों की जिंदगी। वर्ल्ड वाइड ब्लॉक का रीजन मुझे वही लगता है क्योंकि एज पर दी पॉलिसी वो चीज सही है। सो रेंट थ्योरी पे लेंगे आज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, कमेंट करो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, मैं ये फील करता अभी, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आई होप तुम लोग एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शॉट हो जा रहा है रूही को, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इन वीडियो में, शेयर दिस वीडियो, टैग इन दैट पोस्ट, क्या बोला अगली वीडियो में तुम्हारा नाम भी आ जाए, जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से हो जो कमेंट करने वाले हैं, सुधर जाओ,
वो एक नॉर्मल लड़कियों से नॉर्मल रहने दो। जो मैं यहाँ करता हूँ ये कॉमेडी है, ये एंटरटेनमेंट है, मैं पर्सनली किसी को अटैक नहीं करता कभी भी। तुम जो कर रहे हो गलत, समझाना मेरा फर्ज है, कंट्रोल करो उस चीज़। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें यकीन है नहीं है, यकीन है इस बात में, बट एक चीज़ होती है इंसानियत। इंसान और इंसानियत हमेशा बनाए रखो अपने अंदर, चाहे कितने भी स्वैगी क्यों ना हो। समझ गए तो ठीक है, बट अ पीस ऑफ। बारिश आ रही है। मादेरे माया गर्चू मिलाई नहीं दे रे दे रे तोरा वन्ना मा सदना तुम्हें बिना दिनो मेरो सारे ने अंधिया रोच। याद नहीं है मुझे, मैं कोशिश कर रहा सीखने की। देख रहे हो, देख रहे हो कितना प्रो एक्टर है मैं। आंखों में गम लिए वीडियो बना रहे हैं और फिर भी मजे दे रहे हैं। तुम और क्या गांड मारोगे मेरी। ओह क्या बारिश आ रही है यार, बड़ी याद आ रही है उसकी। तुझ बिन जीना भी क्या सोचो, कभी बार सोचा तुमने? मतलब ऐसे तुम सूंघने जाओ साले नाक में कीड़ा घुस जाए तुम्हारे। देख ले रोज लाया था, रोज लाऊंगा भी। कॉल कॉल नहीं प्लीज। Is a bitch of a son.